हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा NS200 का कार्बोरेटर कैसे फिट करें। तो इसका जो एक इजी तरीका है, इजी कह सकते हो, मैंने भी काफ़ी कोशिश की, उसके बाद ये जो तरीका ढूंढा काफ़ी समय लग गया। दो तीन लोग मेरे से कह भी रहे थे, भैया का मैसेज आया मेरे लिए कि एक वीडियो कार्बोरेटर फिटिंग के बनाए आप। तो मुझे आज टाइम मिला और मैंने इस गाड़ी का इंजन भी बनाया था, तो सोचा क्यों ना आज ट्राई किया जाए। तो मैंने आज ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगर कोई भी मुझसे गलत होता है काम करते समय या वीडियो में, तो उसमें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप यहाँ गलत थे या जो भी है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बनाता हूँ फिर मैं अभी आपके लिए एक अच्छी सी, जो मेरी नज़र में और आपके लिए अच्छी हो वीडियो, मैं आपको कार्बोरेटर फिट करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हाँ अच्छा है। तो जैसे कि अभी ये मेरे हाथ में कार्बोरेटर है और ये फिल्टर बॉक्स है, तो इसके लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप एक ऑयल की गन लेंगे, उसमें ऑयल होगा, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लेंगे, नया वो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अधिकतर मिस्त्री तो पुराना यूज़ करते हैं, मैं खुद पुराना यूज़ करता हूँ। उसको आप यहाँ लगा देंगे और थोड़ा सा आप यहाँ पर को लगा देंगे, बाकी ये इस हॉस पाइप में भी लगा देंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारा इसमें हार्डनेस है वो सॉफ्टनेस में बदल जाएगी, तो थोड़ा इजी हो जाएगा फिट करने के लिए। तो देखिए फिर आप, मैं सीधे ही फिट करता हूँ। तो ये हमारा जो ये वापसी का पाइप है, ये पहले लगा देता हूँ ताकि बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके साथ आप ये फिल्टर बॉक्स पकड़ेंगे और ये कार्बोरेटर के साथ आप फिल्टर बॉक्स में इसको ऐसे थोड़ा, ये देखिए, तिरछा कर लेंगे, टेढ़ा कर लेंगे, फिर इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड से, ताकि हमारा जो कार्बोरेटर है कैसे आगे की तरफ बैठेगा, आप आराम से देखेंगे नीचे से कैसे बैठ रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, जब ये हम आगे की तरफ लगाएंगे तो मैं इसको फिल्टर को नीचे पुश करूँगा, उसमें से आप नीचे से देखेंगे, यहाँ से क्लियर दिखेगा आपको कि बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, आप आराम से देखेंगे। तो मेरी नज़र में तो अभी तक NS में सबसे ईजी तरीका यही है कार्बोरेटर बिठाने का, जो बहुत ही मुझे तो ईजी लगा। बाकी आप कमेंट में बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आप देख सकते हैं यहाँ बैठ गया है और बड़ी आसान तरीके से बैठ चुका है यहाँ कार्बोरेटर। अब मैं आपको इसके पीछे का हॉस पाइप दिखाऊंगा दोबारा इसी साइड से, आप अभी देखेंगे। एक बार इधर कैमरा लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा हॉस पाइप है ये थोड़ा सा बचा है बैठने के लिए, तो ये बड़े आराम से आप बैठ जाएगा। तो हम यहाँ से इसको दबाएंगे और आप देखेंगे आप, और आगे अगली तरफ से हम फिल्टर बॉक्स को हल्का सा पुश कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये पूरी तरीके से कार्बोरेटर जो हमारा फिट हो चुका है। तो इससे आसान तरीका तो दोस्तों मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने ट्राई किया होगा। आप देख सकते हैं पूरी वीडियो अच्छे से, हमारा कार्बोरेटर बहुत ही इजी तरीके से फिट हो चुका है। मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ नीचे से, ये आप देख सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से बैठ गया है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ भी कार्बोरेटर फिट किया, आप देख रहे हैं हर तरफ से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों बाकी तो आप सबको पता है कि कार्बोरेटर कैसे फिट करना है या नहीं करना है, तो जो उसको खोलने के लिए तो बड़ी इजी तरीके से खुल जाएगा, हमने फिल्टर बॉक्स खोलना है और निकल जाना है। जैसे कि हम सर्विस के टाइम पर हम टंकी यंकी ये सब चीज़ खोलते ही हैं अपनी, फिल्टर बॉक्स यहाँ तक आप देखते होंगे सर्विस में ये सब चीज़ें खुलती हैं। उसके बाद जो कार्बोरेटर का जो, अब सीधे दो बोल्ट खोलेंगे फिल्टर बॉक्स बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो हम बिठा देंगे
कार्बोरेटर इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से बैठेगा, बहुत ही इजी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, मुझे अपना सपोर्ट करें, थैंक यू। मिलते हैं उन नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको बहुत जल्दी, कुछ अच्छी चीज़ बताऊँगा। अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएँ। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।